Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Soumya Iqtidar and I'm working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. आज हम जिस पर बात कर रहे हैं एक वो बहुत ही हॉट और बर्निंग इशू है जो हर तरफ जिसका शोर है और लोग बहुत पैनिक भी कर रहे हैं, विच इज़ द नोवल कोरोना वायरस, जिसका एपिडेमिक जो है अभी आपने देखा कि चाइना की जो सिटी वुहान है उसमें आया हुआ है। थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए लोगों को ये हम आज बात करें कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस एक्चुअली पहले से दुनिया में मौजूद है और इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो इन्फेक्ट भी करती रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि सार्स एक दफ़ा बहुत सीवियर डिजीज़ की फॉर्म में आया था, दैट्स ऑल्सो अ कोरोना वायरस। फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स कोरोना वायरस, ये भी हमारे पास कुछ साल पहले आया था जिसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज की थी और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी इसके साथ रिपोर्टेड थी। अब रिसेंटली चाइना की सिटी वुहान में एक केसेस सामने आए जिसके अंदर एक नया वायरस जिसे हम नोवल कोरोना वायरस, सो नोवल का मतलब होता है कि न्यू वायरस है। ये न्यू है क्योंकि इसलिए अभी इसका नाम भी डिसाइड नहीं किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है इसे हम वुहान कोरोना वायरस कहना शुरू कर दें। सो ये फ़िलहाल लेबल्ड है एस 2019 नोवल कोरोना वायरस। ये वायरस की एक ऐसी किस्म है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती है, यानी कि सांस और गले की ख़राबी, खांसी और इन अलामात के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहली दफ़ा ये केसेस जब वुहान सिटी में देखे गए तो उन्होंने ट्रेस किया तो एक सी फूड की मार्केट थी या एनिमल्स जहाँ पे गोश्त और मीट मिलता है वो, और वाइल्ड एनिमल्स भी उस मार्केट में अवेलेबल थे। तो ये ट्रेस किया गया कि जितने भी पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए हैं उनका वहाँ से कॉन्टैक्ट रहा है, या उन्होंने मीट कंज्यूम किया है या वहाँ पे गए हैं। और फिर ये हॉस्पिटल्स में जब रिपोर्ट होते गए तो फिर इनकी जो आगे से कॉन्टैक्ट्स थे, यानी कि जिनके साथ थे घर के और लोग या फ्रेंड्स या जिनके साथ वो काम करते थे कोलीग्स, उन लोगों में भी ये वायरस के सिम्टम्स पाए गए। ये वायरस टिपिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है। जब हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहती हूँ तो इसका मतलब है कि नाक का बंद होना, फ्लू की कैफियत, गले में खुश्क खांसी का होना और सांस में दिक्कत होना। उसके बाद जब ये शदीद फॉर्म इख्तियार कर लेता है तो सीवियर डिजीज़ में ये वायरल निमोनिया कॉज करता है जिसमें आपके फेफड़े मुतासर होते हैं और निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का जो निज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिससे मरीज़ सीरियस हालत में हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं। तो ये इसकी अलामात भी मैंने आपको साथ ही बता दी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किन लोगों में आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कोरोना वायरस नोवल 2019 कोरोना वायरस की टाइप तो नहीं है। देखिए, ऑल्दो ये शुरू हुई चाइना की सिटी से, लेकिन आपको पता है वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जो कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इतना ज़्यादा ट्रैवल है, इतने ज़्यादा कनेक्शंस हैं ट्रैवलिंग के, एयरपोर्ट्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू, सी के थ्रू, कि लोग आराम से एक मुल्क से दूसरे मुल्क कुछ घंटों के सफ़र में पहुंच जाते हैं। एंड चाइना इज़ सच ए बिग कंट्री, वहाँ पे लोग आते भी हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, स्टडिंग के लिए स्टूडेंट्स, और वहाँ से लोग और भी दुनिया के ममालिक में बहुत ट्रैवल करते हैं। सो यही वजह है कि ये वायरस चाइना के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर देखा गया, जिनमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इसके अलावा अमेरिका में केस रिपोर्ट हुआ, सो ताइवान में केस रिपोर्ट हुआ, हांगकांग में रिपोर्ट हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली हम इसको कंटेन नहीं कर सकते बिकॉज हम ह्यूमन मूवमेंट को कंटेन नहीं कर सकते। कुछ सस्पेक्टेड केसेस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में भी रिपोर्ट हुए हैं, एक केस जो है वो पाकिस्तान से भी सस्पेक्टेड रिपोर्ट है। सो इसको कंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये पता हो कि ये वायरस कैसे फैल रहा है और इसकी तशखीस फौरन की जा सके। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये न्यूअर वायरस है सो इसको रेडीली टेस्ट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान में फ़िलहाल हमारे पास इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो घबराएं ना, लेकिन कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे आपको इन एनी केस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। सो अगर मरीज़ को खुश खांसी, ज़ुकाम के साथ शदीद सांस में दुश्वारी हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो
और बुखार जो है वो तेज़ हो तो फौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करके डॉक्टर को एक दफ़ा मुआयना ज़रूर कराएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोरोना वायरस होगा, पर होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनका कांटेक्ट रहा हो किसी ऐसे मरीज से जो कि कंफर्म्ड केस था कोरोना वायरस का, या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो टू चाइना, या फिर वो किसी ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं जहां पर बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स जो अनआइडेंटिफाइड थे वो एडमिट हुए थे। सो ये वो केसेस हैं जिन्हें हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इन पेशेंट्स में अगर सिम्टम्स डेवलप हों जिनमें फीवर, कॉफ, फ्लू और इसके अलावा सांस में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर ब्लड प्रेशर का गिरना सीवियर फॉर्म में और गनूदगी का होना और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होना शामिल है, तो इनको फॉरेन हॉस्पिटल फैसिलिटी में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इनके रेलेवेंट टेस्ट हो सकें और इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सके, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इस बीमारी में तो प्रिवेंशन ही है हमारे पास, बिकॉज वी डू नॉट नो द क्योर। अभी हमारे तक कोई ऐसी इतलात मुसद्दिक नहीं है कि ये कोई दवाई या कोई वैक्सीन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो इसको क्योर कर सके। सो देयर इज़ ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सो फॉर द टाइम बीइंग वी शुड ओनली एम्फसाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़। और प्रिवेंशन वही है जो बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन होती है, जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं उनकी इन्फेक्शन होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये आपकी बॉडी सिक्रीशन से फैलता है, तो छींकते वक्त, खांसते वक्त अपने मुँह को रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढाँप के रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और हैंड हाइजीन पे बहुत ज़ोर दें। मैं हमेशा बताती हूँ कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से हाथ धोने की आदत डाल लें। सो हाथ धोने के स्टेप्स भी मैं अपने नाज़रीन को एक दफ़ा बताना चाहती हूँ। हाथ आप बार बार धोइए, साबुन से धोइए, और एटलीस्ट 20 सेकंड्स जो हैं वो आपको हैंड वॉशिंग के लिए सर्व करने चाहिए। इसके अलावा जो अल्कोहल बेस्ड रब्स होते हैं जिन्हें सैनिटाइजर्स कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके हाथ सॉइल्ड हैं सिक्रीशन से, तो बेहतर है कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करें सोप एंड वाटर के साथ। लेकिन अगर सॉइल्ड नहीं है या सिक्रीशन से, या लेकिन सिर्फ शक है, तो आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ धोते वक्त कुछ स्टेप्स हैं, बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए, और इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में, रूटीन लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए। उन हाथों को धोने का तरीका ये है कि पहले आप पामर सर्फेसिस को हाथ से धोइए, डॉर्सल सर्फेसिस को दोनों तरफ से धोइए, ठीक है। उसके बाद ये इंटर डिजिटल जो आपकी क्लेफ्ट्स होती हैं, ये जो स्पेसेस होती हैं वेब स्पेसेस हैंड्स के बीच में, इनको ज़रूर वॉश कीजिए। अपने जो नेल्स हैं इनके दरमियान सिक्रीशंस फट जाती हैं, तो इन नेल्स को ज़रूर वॉश कीजिए, अपने नकल्स को ज़रूर वॉश कीजिए, थंब को कभी ना भूलिए, ठीक है। और फिर ये रिस्ट का एरिया है, सो इनको आप प्रॉपरली वॉश करें हैंड्स को। क्लीन वाटर और सोप जो है वो सबसे अच्छा है, अल्कोहल बेस्ड रब्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ एडिकेट्स में ये है कि जब आप खांसते हैं तो आप, ये तो एक तरीका ही है कि आपने टिश्यू पेपर या रुमाल से अपने आप को ढकना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये जो आपकी ये इस तरह आप अपने एल्बो के बीच के अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो कंटेमिनेट ना हो। बिकॉज एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कि आपने छींका और वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट किसी और इंसान के बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट आया और वो इन्फेक्टेड हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने छींका किसी सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे छींकने या खांसने से सिक्रीशन जिस जगह पे जमा हो गई, अब कोई और आदमी वहाँ बैठा, उसने उसको हाथ लगाया, तो फ्रॉम दैट टच वो सिक्रीशन उसके हाथ पे ट्रांसफ़र हो गई। और ये ट्रांसफ़र अगर उसने अपना नाक साफ़ किया या आँखों पे हाथ लगा लिया या ज़बान को टच कर लिया या लिप्स को टच कर लिया, तो थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उस बंदे में इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो ये वायरसेस बड़े विरुलेंट होते हैं, ये फ़ौरन से आप कैच कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जिन्हें और बीमारियां हैं जैसे कि शुगर का मसला है या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, या जिनको पहले टीबी रह चुकी है, या वो मरीज़ जो कैंसर में मुबतला हैं, या बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स, या दायमी अमराज के मरीज़ जैसे गुर्दे के मरीज़ या जिगर के मरीज़ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें एस्थमा है, जिन्हें सिगरेट पीने की वजह से सांस का और निज़ाम मुतासर है, जिनको मैंने बताया ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर कोई भी फेफड़ों की बीमारी है, और उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सीवियर डिज़ीज़ होगी और खुदा ना खास्ता इसमें जान का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। एक और बात जो मैं इम्पॉर्टेंटली करना चाह रही हूँ कि पैनिक ना कीजिए, लेकिन एहतियात ज़रूर करें, विजिलेंट ज़रूर रहें। आपको साइंस एंड सिम्टम्स पता हैं, अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि ये मामूली ज़ुकाम नज़ला से ज़्यादा भी कैफियत है, और खांसी बहुत शदीद है, या सांस जो है लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो प्लीज़ फ़ौरन एक तो अपने आप को पब्लिक के लिए अवेलेबल करके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बनाइए, गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड कीजिए ताकि आप और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें, और दूसरा फॉरेन हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट करें ताकि आपको प्रॉपरली इवेल्यूएट करे एक मेडिकल प्रोफेशनल, और फिर उसके मुताबिक आपका डिसीजन लिया जा सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि वो इसकी फैसिलिटी इस्टेब्लिश भी करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो सैम्पल्स हैं वो बाहर के मुल्कों से टेस्ट कराए जा सकते हैं। इस वायरस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपकी सांस के निज़ाम को मुतासिर करता है, तो आप थूक का टेस्ट ले सकते हैं, नेज़ोफेरेंजियल या ओरल स्वैब ले सकते हैं। नेज़ोफेरेंजियल यानी कि नाक और गले के पिछले हिस्से को, वहाँ से आप सिक्रीशंस इकट्ठी करते हैं, निज़ाम तनफ़ुस की जो आपके लंग्स के अंदर हैं वहाँ से सिक्रीशंस इकट्ठी कर सकते हैं, या फिर थूक का टेस्ट जो है उसमें आप ये टेस्ट करते हैं। PCR का टेस्ट है जो हम ऑफर करते हैं, वायरसेस के लिए PCR कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि अभी ये सहूलत मैसर नहीं है, तो हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि इस्टेब्लिश करे कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने की फैसिलिटी और वायरल लैब बनाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बाहर के ममालिक जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ से ये टेस्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन टेस्ट आपको कन्फर्मेटरी होते हैं और उसमें 3-4 दिन के टाइम लगता है रिपोर्ट आने में। इन द मीन वाइल पेशेंट को जो है वो फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करके आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है ताकि ये इन्फेक्शन और मरीज़ों को जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं उनको ट्रांसफ़र ना हो सके, और इनको आइसोलेट अलहदा कमरे में करते हैं, जो डॉक्टर्स इनको ट्रीट करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ इनको अटेंड करता है, उनका स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो कि वो वेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन, शूज़, और वो प्रॉपरली अपने आप को कवर करके जाते हैं ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो सकें और फिर उनसे बाकी लोगों को भी और ख़तरा होता है इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं वायरसेस के जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट कहते हैं, वो फैसिलिटी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, चाइना भी सिर्फ PCR ही कर रहा है। सो इन द लॉन्ग रन जब थोड़ी सी ये डिज़ीज़ हमें समझ आएगी, अभी तो मैंने बताया ये नई डिज़ीज़ है, न्यूली इमर्जेंट है, तो इसकी वो फैसिलिटी भी एंटीबॉडी टेस्टिंग की भी अवेलेबल हो जाएगी इन द फ्यूचर, बट फॉर द टाइम बीइंग हम नेज़ोफेरेंजियल स्वैब और स्पूटम से PCR का टेस्ट कर सकते हैं जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये वायरस है। तो यही मेरा मैसेज है लोगों से कि घबराएं ना, लेकिन एहतियात ज़रूर करें, और नॉट ओनली दिस कोरोना वायरस बट और भी जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी इसी तरह के साइन सिम्टम्स के साथ आपके पास आता है और वो भी निमोनिया कर सकता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप सेल्फ ट्रीट ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें, सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, और तमाम अलामात के लिए अपने हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में रुजू करें ताकि आपको प्रॉपरली डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट हो सके। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मरहम ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए और लोगों की क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए ये सेशन किया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारे लोगों को पास ऑन कर सकें, और इसको सदका जारिया समझ के शेयर